दूसरा जो टॉपिक है वो है एंजाइम कैटालिसिस। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जितने के जितने हम क्या करते थे, कोई कंपाउंड बनाते थे, तो हमारे पास क्या चीज आती थी, हम उनको एक नेचुरल चीज ऐड करते थे जिससे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता था। लेकिन जब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हमारे पास क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कुछ ऐसी चीज है जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है, उस चीज को क्या बोलेंगे, एंजाइम्स। बेसिकली व्हाट आर द एंजाइम्स, दीज आर, इनका दूसरा नाम है, दे आर कॉल्ड एज बायो कैटालिस्ट, बायो कैटा, कि ऐसी चीज जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या है कि ऐसी चीज जो रेट ऑफ रिएक्शन किसमें इंक्रीज करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्रीज करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम कैटालिसिस बोलेंगे। अब केमिकली देखोगे तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, क्या है, प्रोटीन्स है जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो वेरी करता है 15,000 to 1 lakh ग्राम पर मोल। अब अगर इस प्रोटीन को देखोगे तो ये प्रोटीन जो है ये दो चीजों से बना है, वन इज एपो प्रोटीन, ये प्रोटीन दो तरह से बना है, वन इज एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर आर को एंजाइम। अब एपो एंजाइम क्या है, बेसिकली ये एंजाइम, सपोज करो ये एक एंजाइम है, अब उसका जो हमारे पास क्या गया, जो प्रोटीनिशियस पार्ट है, अब उस चीज को क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम बोलेंगे। लेकिन जो हमारे पास इस प्रोटीनिशियस पार्ट के अंदर क्या है, कुछ नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है जिनको हम एक्टिव साइट्स बोलते हैं, अब वो किसका काम करती है, को एंजाइम का काम करती है। क्लियर। अब ये जो हमारे पास एंजाइम है, इसके एंजाइम कैटलिस्ट के कुछ करेक्टर भी हैं। पहली चीज जो हमारे पास एंजाइम क्या करते हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक, समझते हैं, हाईली स्पेसिफिक का मतलब यह हो गया कि सपोज करो हमारे पास क्या है, C12H22O11, क्या है ये हम सुक्रोज, अगर हम इसके अंदर इन्वर्टेस एंजाइम डालें, ये क्या करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाएगा। अब अगर सुक्रोज के अंदर सपोज करो मैं जाइमेज डालता, तो दैट कैन नॉट गिव ग्लूकोज प्लस, इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टिकुलर एंजाइम ब्रेक द पार्टिकुलर सबस्ट्रेट, that is why we can call they are highly specific in nature. Number next is optimum temperature. Optimum temperature. इसका मतलब क्या हो गया कि it is the temperature at which the enzyme can be worked. तो ये टेम्परेचर क्या करता है, लाइ फ्रॉम 298 to 310 केल्विन। अगर टेम्परेचर को मोर देन 40 या 45 डिग्री से ऊपर क्या करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे, तो हमारे पास जो रेट ऑफ एंजाइम टू कैटालाइज द रिएक्शन दैट शुड बी डिक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जहां पे एंजाइम जो है वो अपनी केमिकल रिएक्शन विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
अब उसके बाद क्या करेगा, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है लिविंग सिस्टम के अंदर डिक्रीज होगा। क्लियर? उसका मतलब तीसरी जो चीज है ऑप्टिमम पीएच, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम एंजाइम एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर क्या करेगा अपना फंक्शन करेगा एंड दैट रेंज फ्रॉम 5 to 7, मोस्ट ऑफ द एंजाइम कैन बी वर्क एट 5 to 7, बट बिलो 5, लेस देन 5, द एंजाइम कैन नॉट वर्क। इसका मतलब क्या हो गया कि विद इंक्रीज इन एसिडिक कंडीशन द रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम शुड बी डिक्रीजेस, बट विद इंक्रीज इन एल्कलाइन और बेसिक कंडीशंस द रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम शुड बी इंक्रीजेस। क्लियर? उसके बाद जो एक और चीज है पॉइजन के साथ, पॉइजन्स एंड प्रमोटर्स क्या करते हैं, पॉइजन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा डिक्रीज करेगा, ये प्रमोटर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज यहां पे अगर कोई एंजाइम प्रमोटर का काम कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया कि सपोज हमारे पास प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है पेप्टाइड में, इसमें वो कहां पे हो रहा है, द प्रोसेस इन द स्टोमच। अब यहां पे जो एंजाइम आएगा वो कौन सा आएगा, पेप्टोन। अगर इसी चीज को इंटेस्टाइन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा ट्रिप्सिन। वो अब ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, एमाइनो एसिड्स में। अब समझते हैं कि सपोज करो स्टोमच के अंदर ट्रिप्सिन डाला जाए, क्या पेप्टोन बनेगी, नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो क्या करेगा पर्टिकुलर जगह पे ही रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर इसको हम यहां पर डालें क्या ये स्टोमच के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर एमिनो एसिड बनाएगा, नहीं बनाएगा। कि अपना एंजाइम अपनी जगह किसका काम करेगा, प्रमोटर का काम करेगा। अब पॉइजन का मतलब क्या है कि अगर इसी प्रोटीन को हमने एमिनो एसिड बनाने हैं, क्या करने हैं, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दूंगा तो मेरे पास एमिनो एसिड्स नहीं बनेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विद the पेप्टोन that cannot, sorry, with the trypsin that cannot form amino acids। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसका काम कर रहा है, पॉइजन का काम कर रहा है, खुद एंजाइम का काम कर रहा है, प्रमोटर का काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इनकी दे रिक्वायर इन माइन्यूट क्वांटिटी, माइन्यूट इसका मतलब क्या हो गया कि एंजाइम हमेशा किस चीज किस में लगते दे आर रिक्वायरिंग मिलीमोल्स। जब कभी भी एंजाइम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे तो वहां पे किस में आएंगे, दे ऑलवेज इन ए माइन्यूट क्वांटिटी दैट इज मिलीमोल कंसंट्रेशन। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। अब इसके अंदर कौन सा एंजाइम लगेगा, यूरिएस, ग्लूकोज कन्वर्टेड इंटू इथाइल अल्कोहल, कौन सा एंजाइम लगेगा,
जाइमेस। इसी तरह से C12H22O11 माल्टोस कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज क्या लगेगा, माल्टेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी, कि हाउ एंजाइम कन्वर्ट रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। क्लियर। अब ये जो एंजाइम है इन ये दो तरह से काम करते हैं। एक आ गया कि हाउ एंजाइम वर्क, वन इज लॉक एंड की मैकेनिज्म। दूसरी चीज है दैट इज इंड्यूस्ड फिट क्यूरिंग। समझते हैं कि एंजाइम कैसे काम कर रहा है। वन इज बेस्ड ऑन लॉक एंड की मैकेनिज्म, अनदर वन इज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। लॉक एंड की मैकेनिज्म क्या बोलता है, इसको फिशर ने दिया, क्या बोला इस अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मैकेनिज्म कि सपोज करो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है हमारे पास, सपोज दिस इज द सबस्ट्रेट एंड दिस इज द एंजाइम। दिस इज द एंजाइम, कहता है कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंबाइन करता है किसके साथ, एंजाइम के साथ, तो क्या बनता है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये जो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, दिस फर्दर गिव्स This is enzyme product integration. यहां से क्या करेगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट करेगा, एक प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन बनेगी, और यहां से प्रोडक्ट जो होगा इस तरह से एंजाइम निकल जाएगा प्लस हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया। ये कौन बोलता है, लॉक एंड की मैकेनिज्म की, फर्स्ट एंजाइम प्लस फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन देयर इज इंटीग्रेशन, देन फॉर्मेशन एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। लेकिन कहता है कि सिंस हमारे पास एंजाइम जो है वो प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल है, अब प्रोटीनिशियस होने की वजह से क्या है कि दे अंडरगो चेंज इन देयर कॉन्फिगरेशन। अब जब प्रोटीन की हम कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाती है तो उसका मतलब क्या हो गया कि दिस लॉक एंड की मैकेनिज्म कैन नॉट बी एग्जैक्टली फिट ओवर ऑल द एंजाइम सिस्टम, सो द न्यू सिस्टम कॉल्ड एज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या बोल रही है बेसिकली, कि हमारे पास क्या करेगा, सपोज करो हमारे पास क्या है, ये एक सबस्ट्रेट है प्लस जब इसके अंदर हम क्या करेंगे कोई एंजाइम डालेंगे तो क्या करता है कि the substrate changes their configuration according to the need of the enzyme. That is why we can call it induced fit theory. कि enzyme जिस हिसाब से होगा उस तरह से substrate क्या करेगा, अपने configuration को change करेगा और क्या बनाएगा, product बनाएगा। कि suppose करो कि ये substrate है, इसकी इस तरह ही configuration है, लेकिन enzyme कुछ अपने system का है,
तो यहां से क्या करेगा एंजाइम जो है वो अपनी इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा चेंज करेगा, तो क्या बनाएगा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, दिस फर्दर ब्रेक डाउन इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फेट थ्योरी। क्लियर। अब एक छोटा सा टॉपिक है वो है एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट जो है, एक कैटलिस्ट जो है वो क्या कर रहा है किसी रेट ऑफ रिएक्शन को, इट इज द एबिलिटी, एक्टिविटी बेसिकली क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट, एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि जब कैटलिस्ट की एबिलिटी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, वी कैन कॉल एज एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, इट इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। समझते हैं, सपोज हमारे पास क्या है H2O2 गिव्स H2O प्लस O2, जब हम क्या करूंगा आयोडाइड आयन डालूंगा इसके अंदर, तब ही हाइड्रोजन परऑक्साइड कन्वर्ट होगा किसके अंदर, वाटर प्लस ऑक्सीजन के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि दिस आयोडाइड हैव एक्टिविटी एबिलिटी टू डिकम्पोज द हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू हाइड्रोजन प्लस वाटर। इसी तरह से अगर मैं क्या करूंगा एक चीज आ गई, दूसरी चीज सपोज मेरे पास क्या है एस्टर है, क्या है एक एस्टर है जो किसमें कन्वर्ट होगा इथाइल एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, जब कभी भी मैं इसकी क्या करूंगा हाइड्रोलिसिस करूंगा, तो यहां पे एसिड जो होगा दैट एक्ट एज द एक्टिविटी। अब ये एसिड जो है वो क्या करेगा इस एस्टर को कन्वर्ट किसमें करेगा इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, विच इज कॉल्ड एज एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। अब सिलेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर कैटलिस्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएगा, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू फॉर्म ए पिकुलर टाइप ऑफ द प्रोडक्ट और पर्टिकुलर प्रोडक्ट वी कैन कॉल सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। समझते हैं कैसे, मैं एक रिएक्शन लिखता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू मीथेन प्लस CO2 क्या देता है, इसी तरह से दूसरी रिएक्शन लिखता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू मीथेनॉल, इसी तरह से तीसरी रिएक्शन लिखता हूं यहां पे मीथेन गिव राइज टू HCHO। जब कार्बन मोनोऑक्साइड में मैं क्या करूंगा यहां पे आयरन डालूंगा, तो क्या मिलेगा मुझको मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसी के अंदर मैं कॉपर डालूंगा एज कैटलिस्ट, कॉपर एज कैटलिस्ट, तब मुझे मीथेनॉल मिलेगा, क्या मिलेगा। जब इसी के अंदर मैं निकल डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर कैटलिस्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है, कि कॉपर की प्रेजेंस में मुझे क्या मिला मीथेनॉल मिला, आयरन की प्रेजेंस में मुझे क्या मिला मीथेन मिला, निकल की प्रेजेंस में मुझे क्या मिला फॉर्मल्डिहाइड मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि द सिलेक्टिविटी मीन पर्टिकुलर कैटलिस्ट
gives the particular product and we can call selectivity of the catalyst. Clear? तो समझ कैसे कैसे पता चला कि पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है. यहां पे मीथेन है, यहां पे मीथेनॉल है, यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर कैटलिस्ट जो है वो अपनी रेट अपनी सिलेक्टिविटी से अपना प्रोडक्ट बनाता है. क्लियर? थैंक यू.